भाई, जैसे कि मैंने बताया था आपको अपने ब्लॉग में कि मैं जा रहा हूँ अपने गांव। ये मेरा भाई, तो मैं गांव आ चुका हूँ और मैं अपने घर पे बैठा हुआ, आप देख सकते हो। और गाइस, मैं पूरे गांव का दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ मैं घूमूंगा आज। ओके गाइस, तो गाइस दिखाता हूँ मैं आगे। तो गाइस, मैं अपने भाई से पूछता हूँ गाँव में क्या चल रहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आया हूँ पूरे 5 साल बाद अपने गाँव में, और वो भी कैसे ना कैसे मैं आ चुका, मेरा मन नहीं था तो मैं अपने डैड के साथ आया। तो गाइस, भाई से पूछते हैं गांव में क्या चल रहा है। भाई बताइए गांव में क्या चल रहा है। गांव में तो सब मस्ती चल रहा है, सब कुछ, और क्या कर चल सके। गांव की लाइफ कैसी है ये भी बता दीजिए थोड़ा सा। आज की सब थलवे घूम रहे हैं, मतलब कोई रोजगार वोजगार नहीं है गाँव में क्या? रोजगार तो सबके पास ही है, जो कोई करेगा तो उसके पास है। तो थलवा क्यों बोला आपने? थलवे भी बिते रहे गाँव में, जो नहीं करता तो नहीं करता। गाइस, जैसे कि इसने बताया गांव में मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं गए थे, तो उनको ही बोला इनने ठलवे जैसा कुछ वर्ड्स होता है विलेज का। और गाइस, पीछे देख सकते हो ये हमारा घर है पूरा, और मैं तो बहुत कुछ दिखाऊंगा, पूरे घर को दिखाऊंगा कितना हमारा बहुत बड़ा घर है वैसे यहाँ पर। ओके ओके गाइस, मिलते हैं आगे। तो गाइस, ये बाहर का व्यू है हमारे घर का, और ये पूरा गाँव है देख सकते हो आप। जैसे कि ये गांव की गली, अंदर भी हमारा घर है, उसमें भी जाएंगे हम, और पूरा देख सकते हो आप। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हो आप, मेरा ये भाई आ चुका है, मैं इससे ही मिलने आया हूँ, और ये मेरा पार्टनर भी है। और गाइस, इससे बात करते हम थोड़ा सा। तो छोटू भाई सुबह से हमें कॉल कर रहे थे, मम्मा और डैड को, और मेरे को भी की थी कि भाई कब आ रहे हो तुम गाँव में, और आओगे या नहीं आओगे। तो गाइज, हमारा प्लान एकदम से बना था, क्योंकि हमारा प्लान बना है टू पर, और टू पर हम घर से निकले हैं। तो भाई ने, भाई की वजह से ही आए हैं यार, इतनी कॉल कर चुका था वो सुबह से। मैंने भी सोचा कि भाई आज चला ही जाए, भाई बुला रहा है। तो भाई, कब से आपने वैसे, कब से याद किया भाई, कब से सोच रहे हो तुम कि शशांक भाई आए और डैड आए? भाई सुबह से सोच रहे, पूरी फैमिली सुबह से याद कर रही है। ठीक है गाइज। ओ छोटू भाई, मुझे गाँव गाँव का घुमाओगे आप? अरे गाँव में जब भी कुछ दिखाओगे मेरे व्लॉग में तो आएगा वो। दिखाओगे नहीं दिखाओगे? खेत में को तो दिखाना मेरे को, एक खेत में फोटो वोटो खिंचवा देना, मेरा गाँव मेरा खेत। हाँ, हाँ, सही है। तो भैया नाराज है हमसे, बोल ले भैया। हम तो नाराज है, नाराज है। चलो फिर ठीक है गाइस, पूरा फन चल रहा है यहाँ पर, आप मेरा लुक देख सकते हो गाइस। भाई हमारे भैया आ गए, बड़े भैया देख सकते हो, अजय भैया शर्मा रहे हैं। भाई देख सकते हो, भाई के बाल सेट हो रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल ही, और भाई बिल्कुल लुक में अच्छा लग रहा है। भाई इधर तो दिखाओ, हाँ देखो यार, स्मार्ट हो गया है भाई। तो गाइस, मैं जा रहा हूँ अपने खेत पर, ये हमारे खेत है देख सकते हो आप, और ये सब, ये सारा ही हमारा खेत है। तो मैं गाइस खेत के अंदर देखना चाहता हूँ कि इनमें क्या क्या होता है। तो गाइस, अब मैं खेत में जा रहा हूँ घूमने। ओके गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या मस्ती करता हूँ, थोड़ा सा फन करता हूँ उसमें। लोगों, ये हमारे भाई हैं वैसे, चाचू के लड़के। तो मैं इनसे एक बात और पूछता हूँ, भाई ये क्या बोरा है इसके अंदर? ये नियार है। इसे नियार कहते हैं? तो ये नियार है। और भाई इधर ये ईख, ये ईख कहते हैं कैसे? गन्ने, गन्ना कहते हैं जी। कहने वाले ईख होती है जो, तो इसमें से मतलब कि इसमें से जो निकालते हैं गन्ना, किस मतलब कि ये सारा ही गन्ना है? तो भाई ये गन्ना है यहाँ पर, इन्होंने हमारे खेत में ही है, जो हमारे सबके खेत हैं। तो मतलब इसमें गन्ना है और इसमें नियार है। तो इनका क्या होता है भाई, इनका और बता दीजिए। इन्हें भैंस खाती है। अच्छा, जो भैंस खाती है ये खाती हैं वो? अच्छा, तो ये हमारा नियार है पूरे खेत में, आधा इन्होंने काट लिया और आधा बचा है। और इसमें तो भाई पूरा ही ईंख ही ईंख है, मैं आपको ऊपर से एक व्यू दिखा दूंगा बस इसका। ओके गाइस, मिलते हैं।
गाइज मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे वाले प्लॉट पे, मतलब कि दूसरा हमारा जो गांव का हिस्सा है, तो वहीं जा रहा हूँ मैं। और आप देख सकते हो पीछे का व्यू मेरे, और मेरे को भाई लेके जा रहा है, इसका छोटू भाई, और हम वहीं जा रहे हैं। वहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या है, और मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ आज अपने गाँव की, कि गाँव में क्या क्या है। ये सब हमारे ही खेत जो खेत चल रहे हैं ना, ये सब हमारे ही हैं, देख सकते हो आप। और कैसे क्या बोलूँ यार, पूरा मज़ा आ रहा है वैसे गांव में आके ना, बहुत ही मुझे मज़ा आ रहा है, एक्साइटेड हूँ मैं गांव में आने के लिए। मैं पहले सोचता था यार गांव में कुछ नहीं है, बट मैंने अब जो आके देखा है ना, गांव में बहुत कुछ है और बहुत ही मज़े आ रहे हैं ऊपर। ठीक है गाइज, ओके गाइज, मिलता हूँ मैं आके। तो गाइज आ चुका है हमारा गाँव का दूसरा हिस्सा, तो हम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, इसके अंदर। और हम इसके अंदर चलने जाएंगे और दिखाता हूँ मैं आपको इसके अंदर क्या क्या है। ओके गाइज मिलते हैं। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अंदर, आप देख सकते हो। और ये हमारे, इसे कहते हैं गाय भैंस जो भी है, यहाँ पर है सब, आप देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। और गाइज इनको देखो, ये तो दोनों भाई भाई लग रहे हैं वैसे। और ये जय देख सकते हो। और ये हमारे चाचा जी बैठे, पापा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और चाचा जी टीचर हैं एक, ये चाय पी रहे हैं अभी। और इनका दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर टीचिंग भी कराते हैं, तो इनका ब्लैक बोर्ड भी दिखाता हूँ आपको। ओके गाइज, गाइज ये है ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर टीचिंग करते हैं चाचा जी, बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। और देख सकते हो आप, यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पिक्चर भी है, जो कि जाने माने सबसे बड़े टीचर थे मेरी नज़रों में, तो टीचर हैं और सबकी नज़रों में टीचर है। और यहाँ पर ही पढ़ाई होती है, देख लो आप। और यहाँ बुक्स रखी हैं ये, और यहाँ पर ये लेटने का है उनका चाचा जी का, और ये बेंच है यहाँ पर, और एक बेंच यहाँ पर है। तो गाइज ये हमारे दूसरे गांव का जो दूसरा प्लॉट है, मतलब दूसरा हिस्सा है, ये वहाँ का व्यू है। ओके गाइज मैं दिखाता हूँ और पूरा, और थोड़ा सा मज़े लेता हूँ यहाँ पर, फन करता हूँ। ठीक गाइज, भाई ने बोला है कि यहाँ पर इनका भैंसों का दूध निकाला जाएगा, तो गाइज मैं एक्साइटेड हूँ कि उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए कि दूध कैसे निकालते हैं। तो मैं भाई से पूछूंगा, भाई टाइमिंग क्या है उस चीज़ की? 5 बजे, तो 5 बजे टाइमिंग है, और 5 बजे यहाँ दूध निकाला जाएगा, तो मैं आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा। ओके गाइज मिलते हैं। हमारे बाबा जी हैं, और ये भैंसों का इलाज करते हैं, मतलब डॉक्टर हैं एक, तो इनका भी देख सकते हो लुक, हंस के तो दिखा दो तो ये स्माइल आ रही है, ये आई है और पूरा मज़ा आ रहा है यार गाँव में आके। ओके गाइज मैं दिखाता हूँ और कुछ बात, ये बब्बा आ चुके हैं पर, ये देख रहे हैं बात। एक बुक और परसों से तो खेत में कोई रोक कर गाई, जब तक खेत खाली ना होगा मारा मार करके जब कल को तो चलना ही चलना, या चाल है बस ये हैं, ये रोडवेज में अधिकारी थे, आप देख सकते हो अभी रिटायरमेंट है हो चुका है इनका, और ये समाज सेवा करते हैं गांव में, और ये एक इंडियन फार्मर है यहाँ गांव में भी, इनकी खेती वेती करते हैं। और कल ये साइड मेरे को लग रहा है गन्ने वन्ने छिलवाने जा रहे हैं, तो बाबूजी गन्ने वन्ने छिलवा रहे हो क्या कल? हाँ कल गन्ने छोड़ लेंगे, कल गन्ने छोड़ लेंगे फिर। ओके ओके गाइज मैं आगे दिखाता हूँ आपको। गाइज मैं जा रहा हूँ वहाँ पर दूसरी तरफ, क्योंकि वहाँ से मुझे बुलाया है, और वहाँ पर मेरे को पता नहीं किस लिए बुलाया है, और मैं देखने जाता हूँ कि वहाँ पर किस लिए बुला रहा है मेरे को। तो मैं भी तेज़ी से जा रहा हूँ, बहुत तेज़, और यार कुछ तो मिल नहीं रहा यहाँ पर, तो मैं अकेले अकेले ही व्लॉग शूट कर रहा हूँ अपना, और व्लॉग मैं सोच रहा हूँ एक गाँव में आया हूँ तो एक व्लॉग भी शूट किया जाए, है ना। तो थोड़ा जैसे गाँव में भी अच्छा लग रहा है मेरे को, अकेला क्यों ना हूँ बट अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार फैमिली पूरी अपनी फैमिली के साथ पूरा ही मज़ा अलग से ही आता है ना। और भाई मैं आ चुका अपनी दूसरी तरफ। ओके गाइस मैं दिखाता हूँ आगे। तो भाई लोग मैं जा रहा हूँ दूसरे वाले प्लॉट पे, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको दिखाए थे हमारे सारी भैंस वैंस वहाँ पर ही है,
तो हमारे बड़े भैया वहाँ पर दूध निकाल रहे हैं उनका, तो मैं वो कैप्चर करने जा रहा हूँ कि दूध कैसे निकलता है और कैसे निकालते हैं, ठीक है गाइज। और मैं आपको दिखाना भी चाहता यार, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर कैसे निकलता है, इतनी सारी भैंसों का दूध एक बंदा निकाल रहा है, तो थोड़ा ये भी थोड़ा शॉकेड न्यूज़ है, तो मैं उसको यही कैप्चर करने जा रहा हूँ, ठीक है गाइज। और भाई मेरे साथ भी, मेरे भाई मेरे साथ जा रहा है, तो गाइज मैं दिखाता हूँ आगे। ओके गाइज मिलते हैं। भाई मैं लेट हो चुका हूँ, इस भाई ने मुझे लेट करा दिया, यहाँ पर दूध निकल चुका है शायद एक दो भैंस का, और ये रहा दूध बाल्टी में बिल्कुल साफ। तो मैं लेट हो गया यार बहुत ही, लेकिन अभी एक ही भैंस का निकला यार, और भैंस बची हैं, और भैंस को हम कैप्चर कर लेंगे। ओके गाइज मिलते हैं। जा रहे हैं अपने घर, अंदर हमारा घर है, पापा जी और मैं साथ जा रहे हैं, तो घर पे दिखाऊंगा मैं आपको कि हमारा घर कैसा है अंदर, ठीक है। ओके गाइस मैं दिखाता हूँ थोड़ा आगे। हम जा रहे हैं अंदर, बहुत देर हो गई मैं अंदर अंदर जाते हुए, तो हम अंदर जा रहे हैं। अच्छा चलो अच्छी बात है, और बहुत ही अंदर हमारा घर है, और बस आने वाला है आप चलते चलते, थोड़ा सा पैरों में भी दर्द होने लग गया, ठीक है गाइस। ओके मैं दिखाता हूँ अभी आपको। गाइस फाइनली हम आ गए अपने घर, ये हमारा घर है गांव का, और मैं इसके अंदर जाता हूँ और अंदर दिखाता हूँ कैसे कैसे है। और गाइस ये पूरा लुक देख सकते हो हमारे घर का, पुराना सा घर, बहुत ही पुराना घर है हमारा, और हम इसके अंदर जा रहे हैं। ओके गाइस मिलते हैं आगे। गाइज मैं आ चुका हूँ अपने गांव के टेरिस पे, घर के टेरिस पे, देख सकते हो आप नीचे का व्यू, ये छोटे मोटे बच्चे भी देख सकते हो। और गाइज गांव में आके बड़ा अच्छा फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है यार, देख सको। गाइज मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर ही एंड करता हूँ, आपने देखा होगा जैसे कि मेरे व्लॉग में पूरा मेरे गांव को कैसा था, और मैं यहाँ पर ही इसको एंड करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग हो चुका है ये, ठीक है। ओके गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके गाइज बाय बाय।